वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कुसुम्स कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ मिंत्रा स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली तीज एंड राखी के लिए। सो इसमें होने वाले हैं कुर्ती, एक बॉटम भी है, ज्वेलरी है, साड़ियाँ हैं और एक गाउन है। तो मिक्स कलेक्शन होने वाली है, इनमें से आपको कुछ भी पसंद आता है तो इन सभी के जो परचेजिंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, नीचे देखिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हो और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर देना, उससे आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है सो फॉर माई न्यू अपडेट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज pink.brownie। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुझे ना काफ़ी टाइम से अफोर्डेबल गुड क्वालिटी का प्योर कॉटन फैब्रिक का वाइट कलर में प्लाजो चाहिए था, जिसमें नीचे शिफली वाली या फिर वो जो क्रोशेट की लेस हो ना वो लगी हो। तो जब मुझे वैसा मिल गया तो मैंने वो बाय कर लिया, तो वो मुझे मिला मिंत्रा पर। ये कुछ इस तरह का प्लाजो है, इसमें कुछ इतना वर्क नीचे की तरफ शिफली वर्क किया गया है। ये देखिए, पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन ट्रेंड में साथ में डाल दूंगी तो आप देख लेना। तो ये कुछ इस तरह का ही देखिए ऊपर में ना, इसमें हाँ दोनों तरफ इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है और इसमें मैंने साइज़ बाय किया है 34। और ये देखिए नीचे से ये कुछ इतना वाइड लेग का प्लाजो है और कुछ इस तरह का वर्क इसमें किया गया है जो काफ़ी नीटली किया गया है। तो बस मुझे यही चाहिए था, कुछ इसी तरह का लेकिन अच्छी क्वालिटी का, तो वो मुझे मिल गया है। तो अगर आप कुछ इसी तरह का प्लाजो ढूंढ रहे थे तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ये आपकी काफ़ी सारी कुर्तियों के साथ चल जाएगा। तो ये था प्लाजो। अब मैं एक कलरफुल प्योर कॉटन फैब्रिक की कुर्ती दिखाने वाली हूँ, स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती है। सबसे पहले ना आप इसके कलर्स देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। और ये है इसकी राउंड नेक लाइन और उसके नीचे योक पार्ट में ये ब्यूटिफुल वर्क किया गया है। ये वर्क है फॉल्स मिरर का एंड कलरफुल धागों के साथ ही वर्क किया गया। साइड में आपको समोसा लेस मिल जाएगी कुछ इस तरह से। बाकी इस ऑल ओवर कुर्ती में ये कलरफुल रोज प्रिंट मिल जाएगा कुछ इस तरह से, बाकी कहीं कोई वर्क नहीं है। और ये है इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स, इसे आप कॉलेज में ऑफिस में पहन के जा सकते हो, अगर किसी फेस्टिवल में कुछ हल्का फुल्का पहनना है तो भी आप इसे पहन सकते हो। काफ़ी प्यारी लगेगी कुर्ती पहनी हुई। और ये वारंगा ब्रांड से थी, इसमें मेरा साइज था एक्सेल और एकदम परफेक्टली फिट हो रही थी मुझे। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ। तो नेक्स्ट एक प्रीमियम सेट है जो है रुबन ब्रांड से, कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। ये देखिए काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग है। सबसे पहले आपको मिलेगा ये थैंक यू नोट, उसके बाद ये ज्वेलरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे रुबन ब्रांड की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्वालिटी वाइज A1 होते हैं। सो ये क्योंकि प्रीमियम सेट है तो वैसे इसकी क्वालिटी एंड वैसा ही इसका प्राइस है। तो ये कुछ इस तरह का कलरफुल स्टोन के साथ ये सेट है, काफ़ी लाइट वेट है एंड इसे ना एथनिक वेयर के साथ साथ वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हो। तो ये एक वर्सेटाइल पीस है, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। एंड मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ, तो इसमें कहीं भी कुछ चुभने वाला काम है ही नहीं, तो इसे आप कंफर्टेबली पूरे दिन भी जाओ ना तो भी पहन सकते हो। और इसमें सिल्वर एंड कलरफुल स्टोन्स का काम किया गया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स इसमें लगाए गए हैं, तो इसीलिए इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने स्पेशली वेडिंग या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन पे आप इसे पहन सकते हो, उसी पर्पज से मैंने बाय भी किया था। स्पेशली इसका डिज़ाइन देखते ही मैंने कार्ट में ऐड कर लिया था और मुझे तो ये चाहिए ही था। तो जितना लाइट वेट ये सेट था ना उतने ही लाइट वेट इसके इयररिंग्स भी हैं, कुछ इस तरह की इसकी इयररिंग्स हैं, ये देख सकते हो। आप इन्हें सेपरेटली चाहो तो भी पहन सकते हो, कुछ इतने साइज के हैं ये और पूरे दिन आप पहन सकते हो, इसमें कोई पेन नहीं होने वाला है आपको, काफ़ी लाइट वेट है। तो प्रीमियम ज्वेलरी में उनकी क्वालिटी एंड उनका डिज़ाइन बोलते हैं, बस वही देखकर ये मैंने बाय भी किया था। और आई थिंक ये आपको मिल जाएगा 1850 रुपीज़ के अराउंड, बाकी आप एग्जैक्ट प्राइस चेक कर सकते हो स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट सेट है वो भी सेम ही ब्रांड से है और ये ऑक्सीडाइज्ड सेट है। और इसके बारे में ना आप मुझसे काफ़ी बार पूछ चुके थे, जब भी मैं इसे पहनती थी आप हमेशा मुझसे पूछते थे, इसका लिंक मांगते थे, लेकिन ये अब काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। जिस प्राइस में ये मैंने बाय किया था ना उससे भी काफ़ी कम प्राइस में ये मिल रहा है। तो ये है कुछ इस तरह का सेट, जिसने भी इसे देखा ना उसने ज़रूर पूछा कि मैंने कहाँ से बाय किया है। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि ये रुबन ब्रांड से है, बट इसकी ये जो डोरी है ना ये थोड़ी सी छोटी है, तो ये ना कुछ इस तरह का लगता है पहना हुआ। बहुत कमाल का सेट है सीरियसली, इसका डिज़ाइन स्पेशली इतना प्यारा है। ये देखिए काफ़ी भरा भरा लेकिन काफ़ी लाइट वेट सेट है, तो और इस वक्त ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है इसे बाय करने का। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक गाउन की तरफ।
ये जो गाउन है मैंने आपको पहले भी दिखाया है और मुझे इतना पसंद है, मैं इसको इतना वेयर करती हूँ, अभी भी ये वैसा ही है। तो आप में से जिन लोगों को भी स्लीवलेस नूडल स्ट्रैप के साथ जो गाउन होते हैं ना वो पसंद नहीं है और आप नहीं पहन सकते हो, और आपको पसंद है फुल्ली फ्लेयर्ड हैवी फ्लो लेंथ के गाउन जो फुल स्लीव्स के साथ हो, तो बस आप लोगों के लिए गाउन है। और ये इतने प्यारे कलर में है कि मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट फैब्रिक का ये फ्लो लेंथ का गाउन है। ये देखिए कुछ इस तरह का, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। तो जिस प्राइस पे ये मैंने बाय किया था उसी प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, राखी के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें ना आपको कुछ इस तरह का राउंड नेक मिल जाएगा एंड उसके नीचे ये सीक्वेंस एंड थ्रेड वर्क मिल जाएगा। ये देखिए योक पार्ट पे पूरा हैवी वर्क ही किया गया है, बाकी नीचे से आपको ये टीयर डिटेलिंग मिल जाएगी। ये देखिए सो फोर टायर डिटेलिंग के साथ ही गाउन आ रहा है, और इतना फ्लेयर है ना इसका कि मैं आपको क्या बताऊं। और नीचे तक आपको इसमें अटैच लाइनिंग मिल जाएगी शैंटून फैब्रिक की, एंड काफ़ी फाइन क्वालिटी का ना जॉर्जेट फैब्रिक इसमें यूज़ किया गया है। इसमें जो मेरा साइज़ है वो है एक्सेल, और ये मुझे हल्का सा लूज आ रहा है लेकिन वैसे ही फिटिंग मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसमें एक्सेल साइज़ बाय किया था। तो अगर आपकी भी हेल्थ मेरे जैसी है और आपको एक फिटेड गाउन पहनना पसंद है तो आप इसमें लार्ज साइज़ बाय कीजिएगा, बट अगर आपकी आर्म्स यहाँ से हैवी है तो आप इसमें एक्सेल साइज़ ही बाय कीजिएगा, तो आपको एकदम परफेक्टली परफेक्ट फिटिंग के साथ आ जाएगा। तो ये था कुछ इस तरह का गाउन, और ये है ब्रांड इंडस से, सो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बहुत ही प्यारा गाउन है, बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील कहीं से भी नहीं होता है, आप इसे कहीं पे भी पहन के जा सकते हो, किसी वेडिंग के फंक्शन में, किसी फेस्टिवल में, एंड सबसे जरूरी चीज़ है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अब मैं आपको सारी साड़ी दिखाने वाली हूँ, और इतनी कमाल की साड़ियाँ हैं ना आप देख ही लेना। और ये सारी साड़ियाँ मैंने आलिया भट्ट को ध्यान में रखते हुए बाय की, जो आजकल मूवी आ रही है आने वाली है रॉकी एंड रानी, वो तो मैं पक्का देखने वाली हूँ, और उसमें जितनी भी साड़ियाँ आलिया भट्ट ने पहनी हैं वो इतनी सुंदर लगी, वह वो पहले इतनी क्यूट लगती थी और अब तो कमाल की लगी इन साड़ियों में। पहले भी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस ने ये शिफोन की साड़ियाँ पहनी हैं, लेकिन जैसी आलिया लगी है ना वैसा लुक किसी का भी नहीं आया आज तक। और आपको पता ही होगा कि इस तरह की जो साड़ी ना मुझे शुरू से इतनी पसंद है। तो ये है हमारी फर्स्ट साड़ी, ये रफल डिटेलिंग के साथ साड़ी है, पॉली जॉर्जेट फैब्रिक की प्रिंटेड पिंक कलर की साड़ी है ये, और ये इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, मतलब ये मखमली जॉर्जेट फैब्रिक है इस साड़ी का, आपको पहनते मजा आ जाएगा। और क्या फॉल आ रहा है, इतनी ग्रेसफुल एंड इतनी प्रीटी लग रही थी साड़ी। तो पूरी साड़ी में ना आपको कुछ इस तरह का छोटा छोटा फ्लावर प्रिंट मिल जाएगा। तो अगर आपको लाइट वेट प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक की ट्रेंडी स्टाइलिश साड़ी लेनी है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, अगर आप टीनेजर हो ना तो भी आप इसे पहन सकते हो, कुछ इस तरह की साड़ी है। मेरे कहने पर एक बार बाय करके देखो अगर आपको ज़रूरत है तो, स्पेशली राखी के लिए ना आप इसे बाय कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो इस ऑल ओवर साड़ी में आपको ये छोटा छोटा फ्लावर प्रिंट मिल जाएगा नीचे तक, और नीचे मिलेगी आपको ये रफल डिटेलिंग कुछ इस तरह से, पूरी साड़ी में बस आपको यही देखने को मिलेगा। वही मैंने कहा कि इसका कलर तो है ही प्यारा, और इसके साथ मैंने पहना था वेलवेट फैब्रिक का सॉलिड ग्रीन कलर का ब्लाउज, और क्या लग रही थी ये साड़ी, मतलब मज़ा आ गया था मुझे पहन के इसे। तो ये थी साड़ी, ये है 5.5 मीटर की साड़ी, लेंथ विड्थ एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल भी छोटी नहीं रहेगी। तो इसके साथ ना आपको ये ब्लाउज पीस मिलेगा 0.8 मीटर का, ये सॉलिड डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज है जॉर्जेट फैब्रिक में ही, सेम ही फैब्रिक है इसका भी, तो आप इसे भी स्टिच करवा सकते हो। अगर आपके पास कोई पहले से ही सॉलिड ग्रीन कलर का ब्लाउज है तो वो भी आप इसके साथ पहन सकते हो, आपको अलग से स्टिच करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है तो आप इसे भी स्टिच करवा सकते हो। सो ये थी कुछ इस तरह की साड़ी, और ये है सांगरिया ब्रांड से। जो नेक्स्ट साड़ी है ना वो कलर और जो उस पर वर्क है वो अच्छा है, लेकिन इसका फैब्रिक मुझे ओके लगा, मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने जो दो साड़ी और बाय की है ना उनका फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा है, उसके सामने ये मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन पहनी हुई ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये है कुछ इस तरह के ग्रीन कलर की 5.5 मीटर की साड़ी, एंड आई थिंक ये शिफोन फैब्रिक की साड़ी है, और इस ऑल ओवर साड़ी में ना कुछ इस तरह का छोटी छोटी बूटियों वाला ये वर्क किया गया है, ये देखिए ऑल ओवर साड़ी में, और कॉर्नर्स में आपको ये लेस मिल जाएगी, ये देखिए। तो ऑल ओवर साड़ी कुछ इसी तरह की है, ये देखिए ये है इसका पल्लू जिसमें सिर्फ ये लेस लगाई गई है, और इसके साथ मिलेगा ये बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक का 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस, ये देखिए, और इसमें कुछ इस तरह की ना एम्ब्रॉयडरी की गई है पूरे ब्लाउज में। तो
तो ये साड़ी ना मैंने इसके कलर की वजह से बाय की थी और मुझे नहीं पता था कि इसका फैब्रिक कैसा आने वाला है। और ये ब्रांड कालिनी से है, इसमें आपको और भी काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे लेकिन मुझे ग्रीन चाहिए था। तो ये साड़ी मुझे नहीं पसंद आई है तो मैं आपको रिकमेंड क्यों करूँगी। सो अब बढ़ते हैं लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट साड़ी की तरफ। सो वो है ओ माई गॉड, ये साड़ी आप सीरियसली अगर आपको इस तरह की साड़ियाँ पहनना पसंद है, नहीं भी पसंद है ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी आपका मन करे। तो ये है कुछ इस तरह की ड्यूअल टोन में शेडेड साड़ी। ये देखिए इसमें दो शेड मिलेंगे आपको, ये मेहंदी ग्रीन टाइप का और पर्पल। ये देखिए इस साड़ी में मुझे क्या पसंद है, इसका कलर कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स, इसका फैब्रिक, ओ माय गॉड इतना ज़्यादा सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, मज़ा आ जाएगा आपको पहन के, क्या फोल आने वाला है। एंड इस पे जो वर्क किया गया है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये सिंपल सोबर से शिफोन फैब्रिक की साड़ी है और इस ऑल ओवर साड़ी के कॉर्नर्स पर ना आपको इस तरह का मुकेश नहीं स्टोन्स का वर्क मिल जाएगा। ये देखिए ऑल ओवर साड़ी में ऊपर की तरफ भी और नीचे भी, बाकी ये कुछ इस तरह की साड़ी है। और ये जैसे देख रहे हैं आप मूव करिए ना तो दो दो शेड्स इसमें से नज़र आएंगे आपको। ये देखिए तो ये साड़ी प्रीमियम एंड काफ़ी क्लासी लगती है पहनी हुई। तो इसके पल्लू के एंड में ना आपको कुछ इस तरह की लटकन मिल जाएंगी। देखिए ये लटकन की वजह से भी ये साड़ी है ना मैंने बाय की है। ये देखो एंड इसके साथ ये ब्लाउज पीस मिलेगा 0.8 मीटर का। वाओ इसका ब्लाउज तो मैंने देखा ही नहीं था, ये देखिए क्या कमाल का ब्लाउज है। इसे तो मैं डेफिनेटली स्टिच करवाने वाली हूँ, वो भी आलिया भट्ट स्टाइल में। एंड बैक साइड में वो लटकने भी लगवाऊंगी जो स्ट्रैप में नीचे लगी हुई है ना आलिया भट्ट के ब्लाउजेज में वो। तो ये है कुछ इस तरह का ब्लाउज पीस। ये देखिए ऑल ओवर ब्लाउज में ना सॉफ्ट सीक्वेंस वर्क किया गया है जो आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा अंदर की तरफ से। कमाल का इसका ब्लाउज पीस भी, मतलब फैब्रिक वर्क की क्वालिटी सब कुछ काफ़ी अच्छा है। और इसमें तो ना मैं और भी काफ़ी सारे कलर्स ट्राई करने वाली हूँ, वैसे काफ़ी कम कलर्स इसमें रह गए हैं। तो अगर आपको भी ये पसंद आती है तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा, सच बता रही हूँ मैं, फिर आपको मिलेगी नहीं वरना ये, क्योंकि बहुत जल्दी इसके जो सारे कलर्स हैं आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। लेंथ विड्थ सब कुछ एकदम परफेक्ट है और ये है ब्रांड साड़ी मॉल से और ये आपको मिल जाएगी ओनली 1496 रुपीज़ के अराउंड। बाकी इसका जो एग्जैक्ट प्राइस होगा वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। सो ये थी आज की सारी चीज़ें, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इन सभी के परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आई होप कि जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो। फिर मिलती हूं मैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।